हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है मैंगो संदेश, और कहीं कहीं उसे मैंगो पेड़ा भी कहते हैं। जनरली देखा गया है कि बिगनर्स के साथ क्या होता है, कभी चाशनी परफेक्ट नहीं बनती है, कभी उनकी मिठाई लूज़ हो जाती है। तो मैं अपनी रेसिपी स्पेशली बिगनर्स को ध्यान में रख के बनाती हूँ। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए, आप 100% परफेक्ट मिठाई बना लेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने एक यहाँ पर मैंगो ले लिया है। मैंगो के छिलके उतार लेंगे, और उसे छिलने के बाद में हम एक जार लेंगे, और जार में हम मैंगो को काट लेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंगो हमारा कट के तैयार हो गया है, और मैंगो को पीसने के बाद इसकी एक कप प्यूरी बनेगी। तो हमने अकॉर्डिंग टू एक कप प्यूरी यहाँ पर आधा कप शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप एक कप इस्तेमाल करें, मैंने यहाँ पर आधा कप का इस्तेमाल किया है। और शुगर को ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर अब मिल्क मावा ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर होममेड मिल्क मावा का इस्तेमाल किया है, और मावा बनाना बहुत ही ईजी है। आपको एक फ्राई पैन में मिल्क डालना है, और उसे कंटिन्यूसली हिलाते जाना है, और हिला हिला के उसको कंप्लीट टाइट कर लेना है। तो ये आपका मावा रेडी हो गया, और इस तरीके से आप बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि आप मिल्क मावा या फिर फटे दूध का मावा, या फिर आप कंडीशनर मिल्क, या फिर आप मिल्क पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम हो गया है अब इलायची को ऐड करने का। तो यहाँ पर हमने इलायची पाउडर एक चम्मच ले लिया है, उसको हमने शुगर के साथ ग्राइंड कर लिया था, उसको हम इसमें जार में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर मैंगो, शुगर, मिल्क मावा और अब इलायची पाउडर चारों को डाल लिया है। अब चारों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पीस के एकदम स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, आधा कप दूध इसमें ऐड करना है, और इसको फिर से ग्राइंड करना है ताकि अच्छे से एकदम बारीक हो जाए और काफ़ी चिकना और स्मूथ हो जाए। और बहुत दूध ऐड नहीं करना है, हमें इसे गाढ़ा ही रखना है। तो अब क्या करना है, एक फ्राई पैन ले लेंगे, आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसमें आपका मावा चिपके नहीं। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है। अब हम उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे, बटर है तो बटर यूज़ कर लीजिए। अब हम उसमें घी डालने के बाद में मैंगो प्यूरी को फ्राई पैन में शिफ्ट कर देंगे, और प्यूरी डालने के बाद में अब हमें मीडियम हीट फ्लेम पे गैस पे रखना है, और गर्म होने के बाद में लगातार हिलाते रहना है। अगर आप नॉर्मल फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉनस्टिक नहीं है, तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इस प्यूरी को पकाएं, और 10 मिनट बाद हमारी प्यूरी थोड़ी थिक गाढ़ी हो गई है, और फिर से 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो बिल्कुल ही टाइट हो जाएगी। प्यूरी गाढ़ी होके एकदम ही रेडी हो गई है, तो हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों में घी या बटर, जो भी अवेलेबल है, लगा लेंगे, और ठीक प्यूरी का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में हमें लेना है, और उसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमा के उसका एक राउंड सर्कल बॉल टाइप से बना लेना है। और बॉल बनाने के बाद में उसे हल्के हाथों से प्रेस करें, और बीच में से पॉइंट बना लें, हल्का सा प्रेस करके राउंड पॉइंट बना लें। इसके बाद में आप जो भी इसमें ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, चाहे बादाम, पिस्ता या काजू। इस तरीके से आपको एक एक करके सारे पेड़े बना लेने हैं। हमने यहाँ पर पिस्ता स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है, वो स्लाइसेस हमने इसमें लगाई हैं, उसका लुक और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारे इस तरीके से सारे मैंगो संदेश और पेड़ा रेडी हो गए हैं।
ये काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं। आप इस मैंगो सीज़न में इस मैंगो संदेश रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आप खुद भी खाएं और अपनों को खिलाएं। हमें बताएं आपका पेड़ा कैसा बना है। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देखकर एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट कर लें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। इस वीडियो से और इस रेसिपी से रिलेटेड और भी वीडियो हैं। यदि आप और भी मैंगो की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिंक वीडियो के आखिरी में दिए गए हैं, वो उसमें देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।